प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम इस साल लोक प्रशासन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके इसमें दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो तुलनात्मक लोक प्रशासन का है और द्वितीय पेपर स्थानीय शासन का है। तो हम पहले पेपर को प्रारंभ कर रहे हैं और पहले पेपर का जो सेक्शन ए है उसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, विकास इत्यादि के बारे में है। तो आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसके अर्थ के बारे में देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ से पहले हम थोड़ा सा जो ये तुलनात्मक अध्ययन है प्रशासन में उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव स्वभाव जो है वो हमेशा ही तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। तुलना करने की प्रवृत्ति तथा आवश्यकता ही अच्छाई बुराई, ऊंचा नीचा, अपना पराया, जरूरी गैर जरूरी या नया पुराने का भेद स्पष्ट करती है। हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अपना है, पराया है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं तभी हमें पता लगता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के जो नाप तोल हैं, मूल्यांकन हैं, गणनाएं जो हैं वो भी क्या तुलना पर आधारित होती हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने अभूतपूर्व प्रगति की है और संचार क्रांति के फलस्वरूप विश्व का जो भौगोलिक रूप है वो क्या है, सिमट गया है। आज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। लेकिन दिलों की दूरियां हैं वो उस अनुपात में क्या है, बढ़ गई है। लोक प्रशासन चूँकि वर्तमान सभ्यताओं व संस्कृतियों का केंद्र बिंदु बन चुका है, अतः मानव समाज की प्रत्येक गतिविधि इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होती रहती है। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक कारकों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके फलस्वरूप लोक प्रशासन का जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित हुआ है। लोक प्रशासन न केवल उसके चारों ओर के जो पर्यावरण के जो विविध घटक हैं उनसे प्रभावित होता है, बल्कि वो स्वयं भी क्या है, उनको प्रभावित करता है। लोक प्रशासन के चारों ओर जो भी पर्यावरण है, जैसे समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, कानून है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, परंपराएं हैं, ये क्या है, लोक प्रशासन को प्रभावित करती है और लोक प्रशासन भी इनको प्रभावित करता है। डिमॉक लिखते हैं कि वर्तमान में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे संपूर्ण जीवन तथा इसके कार्यों पर छा चुका है और यह हमारी सभ्यता का क्या है, मूल आधार बन चुका है। लोक प्रशासन आधुनिक जो सभ्य समाज हैं उनका अंग है, जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रशासकीय राज्य कहते हैं। आज राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक होता जा रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्रशासकीय राज्य कहते हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे जीवन की हर गतिविधि से जुड़ा हुआ है। बिना प्रशासन के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जो पत्रिका है उसमें वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ से क्या है, हमारे लोक प्रशासन की शुरुआत होती है और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। वुड्रो विल्सन ने अपने इस लेख में राजनीति और प्रशासन के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया और उन्होंने राजनीति और लोक प्रशासन दोनों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया था। इसलिए वुड्रो विल्सन को कुछ चिंतक तुलनात्मक लोक प्रशासन का बौद्धिक जनक भी कहते हैं। वुड्रो विल्सन ने तुलनात्मक अध्ययनों की अनुशंसा की थी
किंतु लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन देरी से शुरू हुए। बाद में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशियाई देशों के अनेक एशियाई महाद्वीप के अनेक देशों में लोक प्रशासन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के सम्मुख नित नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हुए, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक विज्ञान, जो मूलतः मानव स्वभाव तथा समाज के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रकृति अंतर विषयी है, इंटरडिसिप्लिनरी है। अर्थात एक विषय दूसरे विषय को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक आधुनिक अवधारणा है जो दो से अधिक प्रशासनों के अध्ययन पर बल देती है। यह अवधारणा मूलतः संकर सांस्कृतिक है तथा संकर राष्ट्रीय है, यानी किन्हीं दो कल्चरों के बीच में अध्ययन करती है और किन्हीं दो राष्ट्रों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में यह अध्ययन पर बल देती है। निकोलस हेनरी का मानना है कि परंपरागत लोक प्रशासन स्थानीय सांस्कृतिक तथा प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष से संबंध था, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो संकर सांस्कृतिक तथा सिद्धांतों की खोज से जुड़ा हुआ है। दुर्खिम मानते हैं कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की सुसंगत व्याख्या तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। यानी हम कोई भी सामाजिक तथ्य है उसकी अगर ठीक ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक स्टडी जरूरी है। ऐसी ही मान्यताएं राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान में भी प्रचलित हैं, क्योंकि तुलना के आधार पर ही सत्य के मार्ग को ढूंढा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो तुलनात्मक अध्ययन है उसकी पृष्ठभूमि या उसकी महत्ता के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके पश्चात हम तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ के लिए हम सामान्यतः परिभाषाओं को काम में लेते हैं। सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो दो या दो से अधिक देशों, क्षेत्रों, प्रांतों या स्थानों की जो लोक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन है। यदि हम चिंतकों की परिभाषाओं को देखें तो निमरोद रेफली जो हैं वो कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। फेरेल हेडी कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन मुख्य रूप से सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के समान है। यानी हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या है, कंपैरेटिव स्टडी की आवश्यकता होती है, तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो यदि हम सिद्धांतों का निर्माण करेंगे तो तुलनात्मक जो है अध्ययन वो स्वतः ही हो जाएगा। इसके पश्चात अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन ग्रुप, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको CAG भी कहते हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। उसके अनुसार विभिन्न संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा तथ्यात्मक सामग्री जिसके द्वारा इसका विस्तार और परीक्षण किया जा सकता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग हैं। अर्थात हम अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग राष्ट्रीय परिदृश्य में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को और उसकी तथ्यात्मक सामग्री को काम में लेते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। ये सब क्या हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग हैं। F.W. रिग्स, इनका बड़ा योगदान है तुलनात्मक लोक प्रशासन में। वो कहते हैं तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभव मूलक तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए किया जाना चाहिए। अनुभव मूलक का मतलब जिसको हम क्या है प्रैक्टिकली तथ्यों के माध्यम से चेक कर सकते हैं, वो अनुभव मूलक है।
तुलनात्मक लोक प्रशासन आदर्श मूलक उपागम से अनुभव मूलक उपागम की ओर जाना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए इसे क्या है की ओर जाना चाहिए, विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर जाना चाहिए तथा गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की ओर जाना चाहिए, यानी नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। यानी पहले का जो परंपरागत लोक प्रशासन था, जो आसपास का जो पर्यावरण है उसका कोई अध्ययन नहीं करता था, यानी उसके बारे में उसका कोई चिंतन नहीं था कि जो आसपास का समाज या अर्थव्यवस्था या जो कानून या संस्कृति है वो प्रशासन को प्रभावित करती है और प्रशासन उसको प्रभावित करता है, इसके बारे में पारंपरिक लोक प्रशासन का कोई चिंतन नहीं था। लेकिन रिक्स ने कहा कि हमें प्रशासन जो है उसकी परिस्थिति के बारे में भी देखना चाहिए। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इन निष्कर्षों के माध्यम से हम लोक प्रशासन की विशेषताओं को बता सकते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताओं को बता सकते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये है कि यह लोक प्रशासन के ज्ञान की एक नई शाखा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसका उद्भव हुआ। लोक प्रशासन का जन्म तो 1887 में हो गया था, लेकिन क्या है इसका जो जन्म है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, अर्थात 1950 के बाद में इसका उद्गम माना जाता है। तो एक तो क्या है, ये नई शाखा है। दूसरा इसकी विशेषता यह है कि यह लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में नूतन अवधारणा है और यह दो या दो से अधिक प्रशासनिक संगठनों, देशों, व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण अध्ययन करने की पद्धति है। कहने का भाव यह है कि इन्हीं दो देशों के बीच में या किन्हीं दो संगठनों के बीच में या किन्हीं दो व्यवस्थाओं के बीच में यदि हम तुलनात्मक विश्लेषण करें लोक प्रशासन का, तो उससे जुड़ा हुआ ये अध्ययन पद्धति है। अगली विशेषता जो है, इसमें पूर्व के जो परंपरागत सिद्धांत हैं उनके स्थान पर वैज्ञानिक विधि पर ज़्यादा बल दिया जाता है। पांचवा, इसमें विशिष्टता के स्थान पर सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामान्यकरण का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ों के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसमें ये चीज़ें होती है, तो वो एक सामान्यकरण हो गया। तो उससे क्या आगे फिर क्या है, सिद्धांत बनते हैं। तो जैसा कि फेरल हेडी ने कहा था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के समान है, तो ये जो सामान्यकरण की जो प्रवृत्ति है यही आगे क्या है, सिद्धांत निर्माण की ओर अग्रसर होती है। इसके अलावा इसकी विशेषता है कि लोक प्रशासन को निर्जीव यंत्र मानने की बजाय उसे एक ढांचे के रूप में देखा जाता है। कहने का भाव ये है कि प्रशासन जो है, लोक प्रशासन जो है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है और वो स्वयं भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इसमें पर्यावरण का, लोक प्रशासन के चारों ओर जो भी पर्यावरण है, सराउंडिंग जो है, उसका बड़ा रोल है। अगली जो विशेषता है यह विश्व के देशों, राज्यों और संगठनों के मध्य जो दूरी है उसको नज़दीक लाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये तुलनात्मक पद्धति जो है उसमें एक देश से दूसरे देश के जो प्रशासन की जो प्रणालियां हैं, उनके जो डेटा हैं, वो आदान प्रदान होते हैं, तो उससे क्या है, उनके बीच में नज़दीकी आती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो विचारधारा है अन्य समाज विज्ञानों से जो पृथकता बनी हुई थी उससे क्या है, हम समन्वय बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन के बाद लोक प्रशासन की अंतर विषयक जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिला। अर्थात सभी विषय जो सामाजिक विज्ञान के हैं, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि जो लोक प्रशासन है उसका अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, तो जो एक अंतर विषय प्रकृति है उसको क्या ये बताता है या उसको बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है
उसकी विशेषताओं को हमने देखा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है ऋग्स के अनुसार तीन प्रवृत्तियां हैं उसकी। पहली जो प्रवृत्ति है वो है आदर्शात्मक से अनुभव मूलक की ओर उन्मुख है, ये अर्थात ये नॉर्मेटिव टू इम्पिरिकल है। इसका क्या मतलब है? केवल सिद्धांतिक नियमों की व्याख्या करने या केवल आदर्शों की चर्चा करने के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व देना जाना चाहिए जो वास्तव में हमारे सामने हैं तथा प्रशासन को प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक ध्यान देता है। वास्तव में लोक प्रशासन विषय का प्रारंभिक स्वरूप व मान्यताएँ इसमें उन बिंदुओं को महत्व प्रदान करती थी जो कुशलता, उत्कृष्टता, वैधानिकता तथा औपचारिक जो सिद्धांत थे उनके इर्द गिर्द घूमती थी। यह परंपरागत जो दृष्टिकोण था ये क्या था? आदर्शात्मक था। ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, उस पर जोर देता था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मान्यताएं हैं इसकी वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, खारिज होती गई आदर्शात्मक की। और विकासशील देशों का जब उदय हुआ तो उसमें जो ये आदर्शात्मक सिद्धांत है या थ्योरियां हैं वो क्या वहाँ इतने सक्सेस नहीं हो पाई। और व्यवहारवादी जो आंदोलन है उसने लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में तथ्य और वास्तविकता पर बल दिया जो मानव व्यवहार में महत्वपूर्ण है। इस अनुभव मूलक उन्मुखता ने अर्थात क्या है उसको, ये जो उन्मुखता है कि क्या है मतलब किन चीज़ों को वास्तव में अध्ययन है ये या किन चीज़ों को हम देखते हैं, रियलिटी जो है जो हम अनुभव करते हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया। ये जो अनुभव मूलक उन्मुखता है उसने विकास प्रशासन के परंपरागत आदर्शात्मक स्वरूप को भी व्यवहारिक धरातल पर विश्लेषित करने का आधार प्रदान किया। नवीन लोक प्रशासन की मान्यताएं तथा तुलनात्मक लोक प्रशासन की पद्धतियां वास्तव में आदर्श तथा अनुभव और सिद्धांत व्यवहार के मध्य सहमति का एक बिंदु ढूंढने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होना चाहिए से क्या है, अर्थात आदर्शात्मक से एक हकीकत या व्यवहारिक जो बात है उसकी ओर जो एक प्रवृत्ति है वो क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्ति है। यानी पहले का जो परंपरागत लोक प्रशासन था वो आदर्शात्मक था, सिद्धांतवादी था, मतलब परंपरागत था, और ये क्या है, प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक उन्मुख है और तथ्यों पर जोर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, अनुभव मूलक है। दूसरी जो इसकी प्रवृत्ति है वो है विशिष्टता से सामान्य परकता, इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इडियोग्राफिक। विशिष्टता को क्या कहेंगे, इडियोग्राफिक, और सामान्य परकता को कहेंगे नोमोथेटिक। रिग्स के अनुसार विशिष्टता अर्थात किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के अध्ययन के बजाय उन तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए जो सामान्य परक है, नोमोथेटिक है, अर्थात जो व्यापकता लिए हुए हैं। विशिष्टता के स्थान पर सामान्य परकता तभी आ सकती है जब हम तुलनात्मक अध्ययनों पर बल दें। किसी एक ऐतिहासिक घटना या किसी एक संगठन या किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन करने को रिग्स ने सार्थक नहीं माना। इस प्रकार के अध्ययन क्या होते हैं, भावनात्मक होते हैं, विशिष्टता या संकीर्णता लिए भी होते हैं। इन इडियोग्राफिक अध्ययनों के स्थान पर उन नोमोथेटिक अध्ययनों की सार्थकता ज़्यादा है जो सामान्यकरण तथा सिद्धांत निर्माण में सहायता करते हैं। वास्तव में विशिष्टता
या किसी एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन वर्णनात्मक ज़्यादा होते थे, जबकि दो या दो से अधिक संगठनों के प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन क्या होते हैं, तुलनात्मक होने के कारण क्या करते हैं, सामान्यीकरण की ओर उन्मुख होते हैं। क्योंकि हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करके एक उसमें समानता या अंतर या ऐसा कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस वजह से इन दोनों के मध्य ये चीज़ है। जब एक ही चीज़ का, एक ही संगठन का हम अध्ययन करेंगे, दूसरे को देखेंगे नहीं, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या सामान्यता है या क्या सिद्धांत बन सकता है। तो इस प्रकार से जो दो या दो से अधिक प्रशासनिक संगठन है, उससे हम क्या है, तुलनात्मकता के आधार पर सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो ये दूसरा इसकी क्या है, प्रवृत्ति थी। तीसरी जो प्रवृत्ति है, गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी है, अर्थात नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी। क्या होती है इकोलॉजी, ये बॉटनी में आता है वैसे चैप्टर, वनस्पति विज्ञान में, पर्यावरण के अंदर। जो कोई भी, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे जीव जंतु है, उसके चारों ओर जो पर्यावरण है वो क्या, उसकी क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। उसमें सजीव निर्जीव सभी घटक आ जाते हैं। तो पर्यावरण भी जो है, अपने लोक प्रशासन जो है, उसके चारों ओर भी पारिस्थितिकी उसकी है। तो पहले का जो अध्ययन था वो क्या था, गैर पारिस्थितिकी था। लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण जो हैं, उसका गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह क्या कहलाता है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, जो वर्तमान तुलनात्मक लोक प्रशासन की मुख्य आवश्यकता माना जाता है। पहले क्या है, लोक प्रशासन जो था, उनके जो अध्ययन थे वो क्या, गैर पारिस्थितिकी थे। उसमें प्रशासन के आसपास के पर्यावरण का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाता, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी देश का लोक प्रशासन उसके आसपास के समाज, प्रकृति, जो संसाधन हैं, सामाजिक मूल्य हैं, राजनीतिक दशाएं हैं, वहाँ का ऐतिहासिक संदर्भ है, वहाँ की आर्थिक स्थिति है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उससे न केवल प्रभावित होता है, बल्कि प्रशासन इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों को भी प्रभावित करता है। अतः रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी के महत्व को समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से क्या है, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन है, उसकी तीन प्रवृत्तियां हैं। ये तीनों प्रवृत्तियां F.W. रिक्स ने बताई थी। इसके पश्चात हम देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर क्या है इस सब्जेक्ट की। हर एक की नेचर होती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति लोक प्रशासन विषय से भी अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कसम्मत मानी जाती है। इस संबंध में रॉबर्ट डाल जो हैं वो कहते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का या कहने का दावा खोखला रहेगा। ये बात उन्होंने 1950 से पहले ही कह दी थी, जब लोक प्रशासन के चिंतक क्या है, लोक प्रशासन को विज्ञान कहने का दावा कर रहे थे, तब उन्होंने क्या है, उनके जो विज्ञान कहने के दावे को क्या है, चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये तब तक विज्ञान नहीं बन सकता जब तक इस पर या इस विषय में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होते। फेरेल हेडी जो हैं, उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति जो है, उनको चार रूपों में विभक्त किया है। पहली जो है, सुधरी हुई पारंपरिक प्रकृति, यानी सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, विकासमान प्रकृति, सामान्य प्रणाली का प्रारूप और मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। तो ये चार इन्होंने
प्रकृतियाँ बताई है। तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं तथा संगठनों के बीच परस्पर तुलना करने तथा विश्लेषित कर निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रकृति रखता है। इसमें उन तथ्यों तथा आंकड़ों को सर्वाधिक महत्व या प्राथमिकता दी जाती है जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं, या वो समस्याएं जो सामाजिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। सामान्य प्रणाली के प्रारूप से तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही प्रशासनिक तंत्र संचालित होता है। अतः एक ऐसा मॉडल निर्मित करना चाहिए जो सामान्य रूप से समाज व प्रशासन पर लागू किया जा सकते। मध्यवर्ती सिद्धांतों का जो प्रारूप का मतलब यह है कि उन सिद्धांतों के पालन से हैं जो सभी पक्षों पर व्यवहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं तथा जिनका तुलनात्मक रूप से विश्लेषण या परीक्षण हो सकता है। तो इस प्रकार से फेरल हेडी ने चार प्रकार की इसकी प्रकृति बताई है: सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, विकासमान प्रकृति, सामान्य प्रणाली का प्रारूप और मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। रॉबर्ट गोलम्बस्की जो हैं, उन्होंने लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन की तीन अवश्य वस्तुओं को या उसकी थीम्स जो हैं उसको रेखांकित किया है। पहली है, यह ध्यान केंद्रित करने योग्य विषयों या मुद्दों को महत्व देता है, यानी ऐसे विषयों को महत्व देता है जो ध्यान आकर्षित करते हैं। यह परिणाम दे सकने वाले प्रयासों को महत्व देता है। तीसरा है, उपागम या अध्ययन पद्धतियों को अपनाने के लिए यह प्रेरणा देता है। उपरोक्त वर्णित जो ये थीम्स है, ये लोक प्रशासन को क्या है, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने, उसको व्यापकता देने, तार्किक तथा व्यवहारिक उपादेयता सिद्ध करने की दिशा में सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो निम्न बातों पर बल देता है। कई देशों को दृष्टिगत रखते हुए संगठनों की जो विशिष्ट संस्कृतियाँ तथा राजनीतिक पर्यावरण हैं उनको ये महत्व देता है। लोक प्रशासन में जो सिद्धांत प्रचलित हैं वो अपर्याप्त हैं और उनको क्या है, पूरा करना चाहिए। तीसरा, लोक प्रशासन तथा इसका व्यवहार जो हैं वो कई प्रकार के मूल्यों से सरोबार हैं, यानी उसमें बहुत सारे मूल्यों का समावेश है और उनका विश्लेषण होना चाहिए। चौथा, किसी भी अध्ययन की उपादेयता सिद्ध करने के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों पर क्या है, बल या विश्लेषण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये लोक प्रशासन की प्रकृति है उसको इन विद्वानों ने बताया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, और आपको किसी प्रकार की शंका हो या समझ ना आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स क्या है आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे।